नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकवार्ता न्यूज। हमारी खबरें देखने के साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान के सीनियर आईएएस और कोटा संभाग के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के ठिकानों पर एसीबी ने कार्रवाई की। आईएएस राजेंद्र विजय मूल रूप से दौसा जिले के दुब्बी गाँव के रहने वाले हैं। एसीबी की टीम ने बुधवार को सुबह ही उनके घर दबिश दी। एसीबी की ओर से मिली सूचना के मुताबिक जयपुर दौसा कोटा स्थित ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई की जा रही है। दौसा स्थित उनके पैतृक निवास पर परिवार का कोई भी सदस्य घर पर नहीं मिला। ऐसे में एसीबी वहां सर्च की कार्रवाई नहीं कर पाई। एसीबी ने राजेंद्र विजय के घर को सील कर दिया है। आपको बता दें कि आईएएस राजेंद्र विजय कोटा जिले के संभागीय आयुक्त हैं। फिलहाल कोटा के सर्किट हाउस में ही रह रहे हैं। ऐसे में एसीबी के सीनियर अधिकारी सर्किट हाउस पहुंचे और सुबह 6 बजे उनसे पूछताछ की। एसीबी की एक टीम संभागीय आयुक्त के दफ्तर में भी मौजूद है। कार्यालय खुलने के बाद से ही एसीबी ने संभागीय आयुक्त का दफ्तर खोला और सर्च की कार्रवाई शुरू की। कोटा में उन्हें सिविल लाइन्स का बंगला नंबर KR4 अलॉट हो चुका है, लेकिन अभी तक वो बंगले में शिफ्ट नहीं हुए हैं। आईएएस राजेंद्र विजय प्रमोटी आईएएस हैं। उन्हें साल 2010 का बैच मिला है। 7 दिन पहले ही 25 सितंबर को उन्हें कोटा संभागीय आयुक्त का पदभार ग्रहण किया था। वहीं 17 दिन पहले उनका ट्रांसफर राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज अवसंरचना निगम लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक के पद पर किया गया था, लेकिन 22 सितंबर को जारी ट्रांसफर लिस्ट में उन्हें कोटा का संभागीय आयुक्त बना दिया। इससे पहले वो करीब 8 महीने तक नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में स्पेशल सेक्रेटरी रहे। आपको बता दें, एसीबी मुख्यालय के अनुसार उनके खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति मामले में शिकायत मिली थी। इस मामले में न्यायालय के जरिए सर्च वारंट लिया गया था। इसके आधार पर जांच शुरू की गई है। इससे पहले ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने पूरा फीडबैक लिया था, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसकी मॉनिटरिंग खुद एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा कर रहे हैं। सभी टीम को एक दिन पहले ही ब्रीफ्ड कर दिया गया था और सुबह होते ही छापेमारी की कार्रवाई की गई। हमारी खबर को देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।